नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे ग्वार की अच्छी पैदावार कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही बरसात हुई किसानों ने सावनी की बिजाई शुरू कर दी। हालांकि अभी भी ऐसा बड़ा एरिया खाली पड़ा है जहां के किसानों को बारिश का इंतजार है, कब बारिश हो और सावनी में यानी ग्वार बाजरा मूंग मोठ इत्यादि की बिजाई करें। ऐसे में पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज आए हैं कि सर ग्वार की खेती कैसे करें जिससे अधिकतम पैदावार ली जा सके और कौन सी किस्म लगानी चाहिए। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, गले में दिक्कत है जिसके चलते शायद आपको आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही हो, जिसके चलते सभी किसानों के फ़ोन कॉल्स अटेंड करना और मैसेज का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं था, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्वार बिजाई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में आप ग्वार की बिजाई कर सकते हैं, सबसे अच्छा समय रहेगा। बीज की मात्रा की बात करें तो किसान भाई जहाँ पे छींटा लगाते हैं वहाँ 4 से 5 किलो बीज प्रति एकड़ काम में लें, और यदि आप बिजाई करते हैं तो 2 से 3 किलो बीज प्रति एकड़ काफ़ी रहेगा। उन्नत किस्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल किसान भाइयों के किस्मों को लेकर ही है कि वैरायटी कौन सी चुनें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा गवार 365 यानी HG 365, HG 563, HG 220, इसके अलावा प्राइवेट बीज सीड कंपनियों में भी अगर बात करें तो जैसे शक्तिवर्धक का X6 है, इसके अलावा सुपर X7 है, काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटियां हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी के बीज का चुनाव अपने हिसाब से एरिया के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने एरिया का नाम बता करके भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी किस्म लगानी चाहिए। इसके अलावा यदि बात करें बीज उपचार, सबसे अहम चीज़ है बीज उपचार। गवार के अंदर जैसे रोग आता है जड़गलन या उखेड़ा रोग, तो इसके लिए आपको कार्बेंडाजिम दवा 50% जो आती है, इसे आप बवास्टिन के नाम से जान सकते हैं, तो इसके लगभग 3 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बीज को छाया में थोड़ा सुखा करके बीज आप बिजाई करेंगे तो इस रोग से आप बच सकते हैं। बिजाई करने के तरीके की अगर बात करें तो आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी सीड कंपनियां बीज उपलब्ध करवा रही हैं जो कि काफ़ी फैलाव वाला है। जैसे बात करें शक्तिवर्धक का X6 है, सुपर X7 है, इसके अलावा स्टार एग्री सीड्स के भी बीज हैं, तो वो फैलाव वाले हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप BT कॉटन नरमा वाली बिजाई वाली मशीन से भी आप बिजाई कर सकते हैं, यानी जितना खुला बिजाई करेंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। अगर आप नॉर्मली बिजाई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और बीज को 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ना बोएं। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं जो सवाल सबसे ज़्यादा किसान भाइयों ने पूछा है कि ग्वार की खेती में खाद व उर्वरक कौन से डालें। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्वार एक ऐसी फसल है जिसको सबसे कम खाद व उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। इसको आप हल्की से हल्की ज़मीन में भी बीज सकते हैं, लेकिन यदि आप खाद व उर्वरकों का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा आप 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और उसमें 15 से 20 किलो यूरिया ऐड करके 1 एकड़ में छींटा लगा सकते हैं जमीन तैयार करते समय यानी बिजाई से पहले। तो इससे आपको एक तो 2 खाद एक्स्ट्रा मिल जाएगी जैसे सल्फर और कैल्शियम, और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ एक किसान भाई DAP का उपयोग भी करते हैं, तो यदि आप DAP डालना चाहते हैं तो 35 से 40 किलो DAP प्रति एकड़ के हिसाब से काम में ले सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो ग्वार की बिजाई करने के तुरंत बाद आप पेंडामेथिलीन 400 से 500 ग्राम दवा का यदि छिड़काव करते हैं, छिड़काव करने के लिए खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। लगभग 30 से 35 दिनों तक खरपतवार नियंत्रण रहेगा, कोई घास नहीं उगेगा। इसके अलावा पानी यानी सिंचाई की अगर बात करें तो ज़्यादातर इलाकों में ग्वार की खेती बरसात पर आधारित रहती है, फिर भी यदि आपके पास सिंचाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जब ग्वार में फलियां बनने लगे उस दौरान अगर बरसात की कमी है तो आप 1 से 2 सिंचाई जरूर करें जिससे आपकी उपज नहीं घटेगी। इसके अलावा एक और चीज़ का किसान भाई विशेष तौर पर ध्यान रखें, जब ग्वार की फसल में फलियां बनने लग जाए इस दौरान फंगस का अटैक भी काफ़ी रहता है, तो आप कोई भी कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमेटिक फंगीसाइड की 2 स्प्रे जरूर दोहरा दें। इसके अलावा किसान भाई ग्वार की फसल में तेला, चेपा, माहू इत्यादि कीटों को रोकथाम के लिए भी हल्की कीटनाशी का उपयोग करें, जैसे रोगोर है, मेलाथियन इत्यादि का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ग्वार की खेती से जुड़ी और कोई भी आपके सवाल शंका है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।